देश प्रदेश में शक्ति भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। नौ दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जा रही है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघटा स्वरूप की पूजा का विधान है। मां चंद्रघटा सिंह की सवारी करती है। मां के मस्तक पर घंटा के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसलिए उनका नाम है चंद्रघटा। सफेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का लगाना भोग चाहिए, ये कहा जाता है। देश प्रदेश में गांव गली मोहल्ले में माता रानी के दरबार सजे हुए नजर आ रहे हैं और जिन जिन लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर आशीर्वाद लिया है माता का, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो भक्त जिन्होंने अपने घर घट स्थापना की है, वो घरों से लेकर मंदिरों तक पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलेंगे माउंट आबू और कोटा, वहाँ के मंदिरों की क्या तस्वीर नजर आ रही है, वहाँ के श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोटा से भंवर एस चारण है। चलिए सबसे पहले आपको कोटा लेकर जाते हैं। भंवर, आपके पास क्या जानकारी है, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद है, कितना उत्साह आज नवरात्रि के तीसरे दिन नजर आ रहा है भक्तों में? देखिए, कोटा और कोटा अंचल में जो भी देवी और माँ भगवती के मंदिर हैं, चाहे अभेड़ा करणी माता मंदिर की बात करें, डाट देवी माता मंदिर की बात करें, जगत माता मंदिर हो, चाहे शीतला माता मंदिर हो, सभी मंदिरों में विशिष्ट आयोजन हो रहे हैं और नवरात्रि के उत्साह पर माँ भगवती के पूजन अर्चन और विशेष हवन कुंड यज्ञ का जो है वो लगातार दौर चल रहा है। लेकिन मैं पूनम नवदुर्गा माता जी मंदिर में फिलहाल मौजूद हूँ और देखिए आज जो माता जी का स्वरूप है, जिसकी पूजा हो रही है, वो स्वरूप कैसा है, ये मैं आपको और सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, नवरात्रों की जो शुरुआत होती है वो माँ के शैलपुत्री स्वरूप के पूजन के साथ होती है और दूसरे दिन माता जी के जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसका पूजन होता है। शैलपुत्री प्रथम च ब्रह्मचारिणी द्वितीयम तृतीय चंद्रघंटा च कुष्मांडा चतुर्थकम। तो आज जो तीसरा दिन है नवरात्रि का, आज माँ के चंद्रघटा स्वरूप का पूजन होता है। तो माँ का चंद्रघटा स्वरूप कैसा होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये माँ के चंद्रघटा स्वरूप की मूर्ति है। इस मूर्ति की खास बात ये होती है कि ये चंद्रघटा स्वरूप में होती है और ये माँ का सात्विक स्वरूप है। हाथ में आप देखिए फूल ले रखा है। तो आज जो माँ का चंद्रघटा स्वरूप है उनकी पूजा हो रही है और कल जो माता का कुष्मुंडा रूप है उनकी पूजा होगी। देखिए, चंद्रघटा माता जी की एक विशेष आरती भी होती है, वो आरती भी यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन मंदिर में नवरात्रि का किस तरह का उत्साह है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये नवदुर्गा माता जी है जिनके सामने विशेष श्रृंगार हुआ है, चांदी के छत्र हैं, फल फूल मिष्ठान माँ भगवती को चढ़ाए गए हैं और घट स्थापना के बाद लगातार नौ दिन ये पूजा का दौर चलने वाला है। पंडित जी से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी, इस बार का शारदीय नवरात्र किस तरह के मुहूर्त में आ रहा है और किस तरह के खास आयोजन मंदिरों में कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हमारे यहाँ पर माता की घट पहले अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद फिर घट स्थापना हुई, घट स्थापना के बाद भक्तों का महाआरती हुई। अब प्रतिदिन कीर्तन होता है माता का और रात को भजन संध्या भी चलती है और फिर शयन आरती और माता की पांच टाइम आरती होती है। यानी कि आने वाले पूरे बस यही उत्साह नजर आएगा। भंवर, आप बातचीत को जारी रखिएगा, मैं आपसे एक बार फिर से बातचीत करूंगी। जयपुर से शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन सबसे पहले माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, आप कौन से मंदिर पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है, कितना उत्साह भक्तों में आज नजर आ रहा है? देखिए शिवांगी, नवरात्र में माता की पूजा का अर्चन का जो महत्व है बढ़ जाता है और शारदीय नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में जो जन समूह है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर माता की आराधना कर रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अधर देवी मंदिर पर। आप देखिए, जो मंदिर के जो अंदर जो गुफा का जो प्रवेश द्वार है वहां पर जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और श्रद्धालु यहाँ पर आकर माँ का जो स्वरूप है उसकी जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के दिन यहाँ पर जो महत्व है, कह सकते हैं कि जो इस मंदिर की जो खासियत है, उस मंदिर की खासियत की बात करें पूनम, तो यहाँ पर माता जी के अधर गिरे थे, इसकी वजह से इसे अधर देवी माता के मंदिर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे, बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? हम सूरत से आए। आज नवरात्र पर दर्शन किए, कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी, इनसे बात करेंगे। मैडम, इतने दूर से आप दर्शन, क्या मन के अंदर मुराद थी और कैसे देखते हैं इस मंदिर को? अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा। क्या मांगा माता से?
वो मन की बात थोड़ी ना किसी को बता देखिए सकते। मन की बात नहीं की जाती है, लेकिन जो श्रद्धालुओं के जो यहाँ पहुँचने का जो क्रम है वो यहाँ पर जारी है। चाहे बात करें छोटे बच्चे हों या बड़े हों, तमाम जो श्रद्धालु है आप देखिए तो तस्वीरों के अंदर है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और माता की जो आराधना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर खास करके माउंट आबू का ये जो मंदिर है, अरावली के जो सुरम्य जो वादियां हैं, इन वादियों के बीच यहाँ पर दर्शन करते हैं। मेरे साथ सर कहाँ से आए आप? माउंट आबू से आए। कैसे हर बार आते हैं? हर बार नौ दिन कंटिन्यू आते हैं। कैसा मंदिर में कैसा माहौल और भक्त कितने आ रहे हैं? बहुत भक्त आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये तमाम जो श्रद्धालु है पूनम, यहाँ पर आकर जो माँ की जो आराधना करने का जो फल है वो जरूर मिलता है। तो माउंट आबू का ये जो मंदिर है, इस मंदिर के विस्तार से की बात करें तो स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में इस मंदिर का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ऐसा कहते हैं कि 52 जो शक्तिपीठ है कहीं ना कहीं उसमें से एक शक्तिपीठ ये भी गिना जाता है जहाँ पर माता के अधर गिरे थे और यहाँ पर अधर की पूजा और यंत्र की पूजा की जाए। हालांकि हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहाँ पर बैन कर रखी है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु पहुंचकर जो उनकी जो श्रद्धा बिल्कुल आपने सही कहा, श्रद्धालुओं का जो भाव है जब वो दर्शन करके लौट रहे हैं उनके चेहरे पर वो ओज जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो श्रद्धा होती है, ये जो भक्ति होती है, ये भाव से हम अंदाजा लगा सकते हैं। खैर आपसे चर्चा को जारी रखेंगे, जयपुर का भी रुक कर लेते हैं। शिवांगी हमारे साथ बनी हुई है, कमलेश। शिवांगी आज आप कौन से मंदिर पर मौजूद हैं, आज आपको क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। जी बिल्कुल पूनम, आज हम लोग यहाँ पे माता वैष्णो देवी के मंदिर में हैं जो कि पंचवटी सर्कल राजापाक में स्थित है। श्रद्धालु यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और सब बहुत ही प्रार्थना और भक्ति में लीन है, माता के दर्शन कर रहे हैं, माता के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की आशा करते हैं और माता से उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, हम कुछ श्रद्धालुओं से ही बात करेंगे अभी, सब हम यहाँ पे एक मैडम है, हम इनसे बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आपने क्या क्या आगे तैयारियां करी हैं? तैयारियां एक्चुअली ऐसा कुछ, मैं व्रत वगैरह तो नहीं रखती हूँ, बट यह है कि बिलीव बहुत करती हूँ। तो आपने कंचक भी होंगे आगे जाके, आप कन्या भी पूजेंगे, तो आपने उसकी क्या तैयारियां की? तैयारियां वही जो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं बेसिक, बट यह है कि मंदिर आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, माता के दर्शन मॉर्निंग में करना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप यहाँ रोज आती हैं या नवरात्रों के अवसर? नवरात्र के अवसर। जी शुक्रिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो माता के दर्शन करने आए हैं, माता के दरबार में आए हैं, यहाँ पे भंडारा भी लगा है माता का, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ भंडारे पे आ रहे हैं वो सब माता का प्रसाद चख के जा रहे हैं। यहाँ पे भंडारे का पूरा सामग्री सामान और प्रसाद सब रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नजारा है, सारे श्रद्धालु अपनी प्रार्थना में लीन हैं और हम कोशिश करेंगे, पंडित जी से भी हम बात करेंगे। पंडित जी माता का श्रृंगार कर रहे हैं और हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, आपको किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालु? शारदीय नवरात्रों का ये तीसरी महाशक्ति का दिन है। तीसरी महाशक्ति का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मातेश्वरी अपने मन को षट चक्र में स्थापित करके भक्तों को मंद मंद मुस्कान से आशीर्वाद प्रदान करती है। महाशक्ति शेर पे सवार होकर पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। मन से, क्रम से, वचन से, नियम से, पूजा पद्धति जो मातेश्वरी की आराधना करते हैं उसको पूर्ण फल प्रदान होता है। सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, बहुत लोग नवरात्रि कर रहे हैं। नवरात्रि करने से घर में सुख शांति प्रदान होती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, घर में समृद्धि होती है, व्यापार में समृद्धि होती है, सभी दुष्टों का दमन होता है। मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि बहुत महत्व रखते हैं। ये नारी शक्ति के दिन चल रहे हैं। नारी का जिस घर में सम्मान होता है वो घर पूर्ण रूप से स्वर्ग के समान है और छोटी छोटी बालिकाओं का जो आदर करते हैं, बड़ों को बुजुर्गों का जो आदर करते हैं, धर्म पे जो कल चलते हैं उनका पूर्ण रूप से उत्थान होता है, जो अधर्म पे चलते हैं। शिवांगी जो बात पंडित जी कह रहे हैं, अगर ये बात कोई मान ले और अगर अपनी भक्ति के साथ, अपनी पूजा के साथ इन नियमों को भी बांध ले, फिर तो कहते हैं कि
आने वाले समय में अपने जीवन में कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि ये भी एक तप के बराबर है, जिसने कर लिया फिर उसे और क्या चाहिए। खैर, भक्त कोशिश जरूर करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए और इतनी खूबसूरत माँ के दरबार की तस्वीरें दिखाने के लिए।